हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुझे करनी है सारी पैकिंग, कल पूरी नहीं कर पाए थे इसलिए आज पूरी पैकिंग करनी है क्योंकि हमको 3 बजे यहाँ से निकलना है। और पैकिंग में मेरी हेल्प कर रही है दिव्यांशी। तो अब हम लोग करते हैं पैकिंग। करते क्या है, मतलब मैंने थोड़े थोड़े तो लगा दिए हैं, इन सबको बैग में रखना है। और बाल धो रखे हैं, गीले हो रहे हैं तो ठंडा हो रहा है थोड़ा। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। और वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डाल रखे हैं, वो भी धुल रहे हैं, उनको अब ड्रायर में डालने हैं। और सुबह से मैंने बस एक गाजर का हलवा खाया है और थोड़ा सा दूध पिया है, यहाँ तो खाना भी नहीं कोई पूछ दे रहा है यार। इधर आओ, ये ऐसी है ना, कुछ भी बोलो ये सीधे वहाँ यहाँ की वहाँ कर देती है, किसी से मत कहना नहीं तो पिटाई होगी। मुझे तो लग रहा है जब मैं खुद किचन में जाऊंगी उसी के बाद मैं अपने हिसाब से खाना खा पाऊंगी, नहीं तो मैं मांग भी नहीं सकती किसी से ऐसे बार बार, बड़ा दुख है यार। तो अभी हम लोग खाना खाने लग गए हैं और दिव्यांशी नहीं खा रही है। दिव्यांशी का पेट तो भाभी को देख के ही भर गया। मेकअप किट से भर गया है बोल रही है। है ना। 15 मिनट्स लेटर। दिव्यांशी को तो मेरा मेकअप किट इतना वो हो गया, बस खोल के बैठे रहती, देखे रहती है इसमें क्या है क्या नहीं है, इसलिए खोल के बैठी हूँ, कुछ भूल ना जाओ। अच्छा, तो पैकिंग तो हमारी पूरी हो चुकी थी, बस मैं इसे खोल रही थी। इसके अंदर है एक वॉच जो मुझे दादा ने गिफ्ट करी थी, दीपू और भैया ने वो पहले ही देख लिया था, उसके बाद मेरे बैग में रख दिया था, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी निकाला। और अनुराग अभी देख रहे हैं कि हमको कहाँ और कैसे जाना है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही हमको जाना था और तो हमें टाइमिंग का इतना वो नहीं था, ध्यान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी टाइमिंग देखी और उसके बाद हम लोग निकल गए। अभी हम लोग निकल गए हैं और बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में। अब हम जा कहाँ रहे हैं वो आपको जब हम पहुँच जाएंगे तब पता चलेगा कल के ब्लॉग में। अभी हम आगरा पहुँचे हैं और 1 घंटे से यहीं बैठे हैं क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही। अब हम लोग खाना खाने लग गए हैं, मम्मी ने पराठे बना के भेजे थे और ये चटनी, ये हरी सब्जी और अचार और ये खाने वाला। खाना खा करके तुरंत हम लोग सो गए थे क्योंकि शादी में इतने सारे फंक्शंस होते हैं तो हमारी नींद तो पूरी हुई नहीं। वैसे तो कभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो गाड़ी में मुझे नींद कभी नहीं आती है, लेकिन इस दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी ना यार, मैं बैठते ही तुरंत सो गई थी। और दिल्ली पहुंच के मैं उठी थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारी फ्लाइट है 5:30 बजे की, अभी बज रहा है 1:30। तो उतनी देर हमको वेट करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद चेक इन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से चेक इन करके आ गए और हमको मिल गए हैं बोर्डिंग पासेस, अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहे हैं। वीडियो बनाने में बहुत शर्म आ रही है इसलिए अभी यहाँ पे कोई नहीं। चलो अब हम ऐसी जगह में ही बना सकते हैं वीडियो। तो आज फ्लाइट का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अनुराग का चौथा या पांचवा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा होगा, मैं आपको बताऊंगी कैसा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 3, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है।
अभी हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऊपर से नीचे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो थोड़ी देर तो मैंने कैप्चर किया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं दोबारा से सो गई। सोते हुए मुझे 1.5 घंटा ही हुआ था, उतने में ही हमारा उतरने का टाइम आ गया और मॉर्निंग का व्यू था कुछ ऐसा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता और अब हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो है 1 घंटे बाद। और मेरे पैर भी सूज गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा वाले सूज है बेटा। हम लोग जाने लग गए हैं। वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग का। और इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिला मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एक्सपीरियंस फ्लाइट के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।